जिस महिला सुरक्षा के वादे पर योगी सरकार ने देश के सबसे बड़े राज्य की सत्ता में वापसी की है, उस दिशा में सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। दरअसल योगी सरकार ने कामकाजी महिलाओं को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। इसके तहत अब उत्तर प्रदेश में किसी भी महिला को नाइट शिफ्ट में काम करने पर नहीं बुलाया जा सकता है और न ही उन्हें जबरन देर रात तक ड्यूटी करनी पड़ेगी। महिला सुरक्षा और उनके अधिकारों के लिए प्रदेश सरकार ने ये बड़ा कदम उठाते हुए आदेश दिया कि अगर किसी खास परिस्थिति में महिला वर्कर को रोका जाना है तो उसके लिए महिला की लिखित परमिशन लेना जरूरी होगा। साथ ही महिलाओं को कंपनी की ओर से निःशुल्क वाहन उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा। बता दें कि ये नियम सरकारी और प्राइवेट दोनों ही संस्थानों में लागू रहेंगे। प्रदेश सरकार के इस निर्णय की हर ओर चर्चा हो रही है, तो बिना किसी देर के आपको बताते हैं कि क्या है नए नियम। महिला वर्कर की लिखित सहमति के बाद ही उसे शाम 7 बजे के बाद या फिर सुबह 6 बजे से पहले ऑफिस बुलाया जा सकेगा। महिला वर्कर के लिखित में नाइट शिफ्ट की इजाजत देने पर ही कंपनी को पिक एंड ड्रॉप दोनों फ्री देना होगा। रात में ड्यूटी के दौरान महिला कर्मचारी को खाना भी उपलब्ध कराना होगा। यदि कोई महिला वर्कर नाइट शिफ्ट नहीं करना चाहती है और उसे कंपनी जबरन बुलाती है तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। साथ ही अगर महिला नाइट शिफ्ट के लिए मना करती है तो उसे इस वजह से नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। महिला वर्कर के लिए शौचालय की व्यवस्था करना भी अनिवार्य है। इसके अलावा महिला वर्कर कंपनी में तभी नाइट शिफ्ट में काम करेगी जब वहां कम से कम 4 और महिला स्टाफ की ड्यूटी होगी। कंपनी में महिला उत्पीड़न रोकने के लिए कमेटी का गठन करना जरूरी होगा। यूपी सरकार ने इस आदेश को सभी जिलों में सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। योगी सरकार के इस फैसले से कॉल सेंटर, होटल इंडस्ट्री और रेस्टोरेंट में काम करने वाली अधिकतर महिला वर्कर्स को काफी राहत मिलेगी। माना जाता है कि इन्हीं सेक्टर्स में महिलाएं ज्यादा काम करती हैं। सरकार के इस फैसले पर महिला कामगारों ने भी खुशी जताई है। साथ ही इन कदमों में महिला सुरक्षा को लेकर यूपी सरकार की प्रतिबद्धता की भी झलक देखने को मिल सकती है।